मोबाइल से फटाफट कैलकुलेट कैसे करेंगे ग्राम और किलोग्राम को। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम लोग मोबाइल से मार्केट में किलोग्राम को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले हम ग्राम को एंटर करें कि किलोग्राम को एंटर करें कि उसकी प्राइस को एंटर करें। यहाँ पर मैं आपको दो सिंपल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड्स, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर देखिए मैं दो पार्ट में अपने क्वेश्चंस को, किलोग्राम के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिवाइड करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का बनता है, चलिए उसको हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कि हम मिठाई लेने ही गए, क्या लेने गए हम, मिठाई लेने गए, और मिठाई कितने रुपये किलो है, मान लेते हैं कि 360 रुपये प्रति केजी है। कितना है, 360 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। अब वहाँ मैंने रेट पूछा, उन्होंने बताया, अब मेरे जेब में अचानक से 200 का नोट निकल गया। कितने का नोट निकल गया, 200 रुपए का नोट निकल गया। तो 200 रुपए में ही हम चाहते हैं कि पूरी पूरी मिठाई हमको मिल जाए, तो 200 रुपए का कितना ग्राम मिलेगा, एक तो क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, कितना ग्राम, ठीक है। कि भाव हमें बताया गया और रुपए हमें दिए हुए हैं और उसके हिसाब से हमें मात्रा पूछा जा रहा है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन समझिए, ये कैसा होता है। मान लेते हैं कि जलेबी 125 रुपए किलो है, जलेबी 125 रुपए किलो है। अब यहाँ पर 125 रुपए किलो है, अब यहाँ पर हम मात्रा बता रहे हैं कि 400 ग्राम हमको चाहिए, 400 ग्राम हमको चाहिए, तो कितने रुपए का हमको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो आप समझ रहे हैं, हमारे किलोग्राम के क्वेश्चन कुल मिलाकर दो टाइप के बन गए। पहले में रुपए दिया है और मात्रा हमको निकालना है, और दूसरे में मात्रा दिया है और रुपए निकालना है, ठीक है। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करना तो सीखेंगे, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से। तो देखिए इसका ट्रिक क्या कहता है, तो ट्रिक हमारे क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। ट्रिक इसका कहाँ छुपा हुआ है, हमारे क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो हम उसमें एंट्री करेंगे तो जो कैलकुलेटर में लास्ट में आएगा वो क्या होगा, ग्राम। क्या होगा, ग्राम। तो बस इसी चीज़ को आपको फोकस करना है कि जो हम एंट्री करने के बाद जो रिजल्ट हमारा इक्वल टू में आएगा वो क्या होगा, ग्राम। तो ये ग्राम है, तो जो भी हमें हिसाब, देखिए इसमें भी बताया गया है और इसमें भी बताया गया है, लेकिन कन्फ्यूजन यही होता है कि हम 360 पहले एंटर करें कि ये केजी एंटर करें पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, आपको ग्राम पहले चाहिए। जब ग्राम पहले चाहिए तो आप यहाँ पे जो भी भाव बताया गया है, जो भी आपको हिसाब बताया गया है, उसकी मात्रा आप सबसे पहले एंटर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जिसमें पूछा जाए उसी में हमें हिसाब वाला मात्रा जो एंटर करना है वो करना है, यानी कि ग्राम में पूछा गया तो ये ग्राम में एंटर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डिवाइड लगाते हैं। अब यहाँ पर जब जो पहले पूछा गया है वो एंटर करने के बाद, तब हम यहाँ पर देखिए रुपए एंटर कर रहे हैं, यानी भाव के जो रुपए होंगे वो उसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुणा लगाएंगे, अब यहाँ पर हमें वांछित रुपए एंटर करना है। क्या एंटर करना है, वांछित रुपए एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे हमें रुपए में कितनी मात्रा मिलेगी ग्राम में वो हमें पता चल जाएगा। अब आइए इसमें समझते हैं। अब इसमें देखिए मात्रा तो दिया हुआ है लेकिन रुपए पूछ रहा है, तो अब बताइए आप दिमाग लगाकर कि रुपए पूछ रहा है तो ये जो हिसाब बताया गया है 125 रुपए में एक केजी, इसमें से सबसे पहले आप क्या एंटर करेंगे, रुपए। तो यहाँ पर आप भाव के रुपए सबसे पहले एंटर करेंगे, क्योंकि जो एंटर करेंगे जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो रुपए में ही होगा। तो यहाँ पर भाव के रुपए सबसे पहले एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ डिवाइड लगाएंगे, अब यहाँ पर आप मात्रा एंटर
करेंगे, और वो भी किसमें, जिसमें ये मात्रा आपको दी गई है। तो ग्राम में है तो ग्राम में एंटर करिए, इसके बाद गुणा लगाइए और यहाँ पर वांछित मात्रा जितने का आपको चाहिए वो वांछित मात्रा आप एंटर करेंगे और ये भी ग्राम में होना चाहिए। अब देखिए इसका रिजल्ट कैसे हमको मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 200 रुपए का 360 रुपए किलो है, 200 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा आइए निकालते हैं। कितना ग्राम, तो इसका जो भाव बताया गया इसका ग्राम, तो केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर हमको 1000 एंटर करना है। डिवाइड लगाएंगे, इसके बाद भाव कितना है, भाव 360 रुपए किलो है, तो 360 हम लोगों ने एंटर कर दिया। अब हमें चाहिए कितने का, 200 रुपए का, तो यहाँ पर हम 200 एंटर कर देंगे। जैसे ही करेंगे आप देख रहे हैं कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 555.55, ढेर सारे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर ग्राम में हमारा अगर आंसर आता है तो हम दशमलव के सिर्फ आगे वाला ही लेते हैं, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 555 ग्राम, ठीक है। अब आइए सेकंड वाला भी कर लेते हैं। तो देखिए इसमें रुपए निकालना है, तो ये जो भाव बताया गया है 125 रुपए केजी, इसी का रुपए सबसे पहले हम एंटर करेंगे, इसके बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब इतने में मिल कितना रहा है, 1 केजी, तो ये 1 केजी तो मिल रहा है लेकिन हमें पूछा गया है ग्राम का, तो इसको भी हम ग्राम में बदल कर रखेंगे, मतलब कि 1 केजी में होगा 1000 ग्राम। इसके बाद यहाँ गुणा लगाएंगे, 400 ग्राम का पूछा गया है तो यहाँ हम 400 एंटर कर देंगे। ऐसे ही 400 एंटर करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50, और ये 50 क्या है, रुपए हैं, यानी कि हमें अगर जलेबी 125 रुपए किलो है तो 400 ग्राम हमें कितने का मिलेगा, 50 रुपए का मिलेगा, और अगर मिठाई 360 रुपए किलो है तो 200 रुपए में कितना मिलेगा, 555 ग्राम मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं माइंड में, कि देखिए यहाँ पर जो चीज हमको दिया हुआ है ये देखिए दोनों एक साथ में, रुपए रुपए एक साथ में है और गुणा हुआ है, और यहाँ पर देखिए जिसका पूछा गया था ग्राम का, तो देखिए ग्राम ग्राम एक साथ है और इसका गुणा हुआ है। तो ट्रिक है, आप अपने माइंड में कैसे, आपके माइंड में हुक करता है इसको, आप कैसे दिमाग में आप बैठाते हैं इस पर फोकस करके, आप 5 मिनट इस पर कुछ फोकस कर लीजिए, इसका कुछ लिंक अपने दिमाग में बना लीजिए और इसका भी, फिर जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा बड़े आसानी से किलो और ग्राम के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।